हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल डीआरएक्स दीपक फार्मा। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में डिस्कस करूंगा पैथोफिजियोलॉजी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हाइपरटेंशन के बारे में। दोस्तों, यह क्वेश्चन 5 मार्क्स में बहुत बार पूछा जाता है, तो यह क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो में समझेंगे हाइपरटेंशन क्या है, हाइपरटेंशन के टाइप्स, इटियोलॉजी मींस कॉजेस और साइन एंड सिम्टम्स, पैथोफिजियोलॉजी और ट्रीटमेंट के बारे में। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो में बने रहें। तो हाइपरटेंशन होता क्या है? ए कंडीशन इन विच द ब्लड प्रेशर ऑफ द सिस्टमिया आर्टरी इंक्रीज बियॉन्ड द नॉर्मल प्रेशर इज नॉन एज हाइपरटेंशन। क्या होता है दोस्तों, जो नॉर्मल प्रेशर से जब हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, उसी को हम हाइपरटेंशन कहते हैं। तो दोस्तों, आज के टाइम में हाइपरटेंशन लगभग बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो गई है, जो बहुत लोगों में पाई जा रही है, तो ये प्रॉब्लम का विषय बनता जा रहा है। तो हाइपरटेंशन क्या है दोस्तों, देखिए दोस्तों, ये भार, ये जो प्रेशर लग रही है ब्लड वेसल्स पे, ये ल्यूमेन है, ये हमारा इंडोथियल लेयर है, और जो ये ब्लड वेसल्स पे जो प्रेशर लग रही है, इसी को हम हाइपरटेंशन कह रहे हैं। तो जो हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर की वैल्यू क्या होती है, 120/80 mmHg होती है, और 120 mmHg जिसको हम सिस्टोलिक बोलते हैं ब्लड प्रेशर, और जो 80 mmHg होती है जिसको डायस्टोलिक बोलते हैं। अब ब्लड प्रेशर इज डिटरमाइंड बाय बोथ द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप बाय हार्ट। अब ब्लड प्रेशर कैसे डिटरमाइन करते हैं, दोनों तरीके से, जैसे अमाउंट ऑफ ब्लड पंप हो रहा है हमारे हार्ट से, एंड द अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस टू फ्लो द ब्लड इन आर्टरीज, कितना फ्लो कर रहा है आर्टरीज में ब्लड। टाइप्स की बात करें, हाइपरटेंशन इज टू टाइप्स, ये दो टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट प्राइमरी हाइपरटेंशन, सेकेंडरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन क्या होता है दोस्तों, इट इज़ अ कंडीशन ऑफ हाई बीपी एंड कॉज इन इज अननोन। ये क्या, एक तरह का हाई बीपी कंडीशन है और इसकी जो कॉजेस होती है वो अननोन होती है। अप्रोक्स 90% कॉज बाय डायग्नोस्ड आर प्राइमरी हाइपरटेंशन। जो 95% कॉज होते हैं वो प्राइमरी हाइपरटेंशन से होते हैं, डायग्नोज किया जाता है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन क्या, इन दिस कंडीशन हाई बीपी इज कॉज बाय अनदर मेडिकल कंडीशन से हो सकता है। इट इज़ कॉज बाय कंडीशन डेट अफेक्ट योर किडनी आर्टरीज हार्ट और इंडोक्राइन सिस्टम। अब इसके इटोलॉजी या कॉजेस की बात करें दोस्तों, द कॉजेस ऑफ हाइपरटेंशन आर जेनेटिक भी हो सकता है, ANS मीन्स ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कारण कोई प्रॉब्लम उससे भी हो सकता है, स्मोकिंग प्रॉब्लम, स्ट्रेस, ज़्यादा स्ट्रेस लेने से, ओवर वेट से हो सकता है, सॉल्ट कंजप्शन से, अल्कोहल कंजप्शन से। इसलिए बोला जाता है दोस्तों, जो बीपी पेशेंट होते हैं उनको सॉल्ट कम खाने के लिए, तो यही सब रीज़न होती है दोस्तों। अब इसके हम पैथोजेनेसिस की जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों। सोडियम इज एसेंशियल फॉर नॉर्मल बॉडी फंक्शन। व्हेन वी ईट टू मच सोडियम, द अमाउंट ऑफ सोडियम इन ब्लड गेट राइज। टू कंपनसेट दिस इंक्रीज सोडियम कंसनट्रेशन, आवर किडनी विल रिटेन मोर वाटर टू हेल्प डाइल्यूट आउट द Na+। दिस कैन इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड विच कैन रिजल्ट इन बीपी। तो दोस्तों, इसका मतलब तो आप समझ ही गए हो कि अगर हम एक्सेस सोडियम हम इंटेक करते हैं, तो वो क्या करता है, हमारा बीपी कॉज करता है, मतलब ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, एंजिनोटेंसियोजेन, ये किस में कन्वर्ट होता है, एंजियोटेंसिन 1 में इन द हेल्प ऑफ रेनिन एंजाइम्स के। और यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, एंजिनोटेंसिन 1 कन्वर्ट होता है एंजिनोटेंसिन 2 में इन द हेल्प ऑफ एंजिनोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम के हेल्प से। और इसमें क्या होता है, एंजिनोटेंसिन 2 वास्कुलर रिमॉडलिंग, किडनी सोडियम रीअब्सॉर्प्शन एंड एलेस्ट्रॉन रिलीज, वैसो कंस्ट्रिक्शन, नॉन इफ्रेडिन रिलीज। जहाँ पे वैसो कंस्ट्रिक्शन होता है, मतलब हमारा वैसो, मतलब जो हमारा ब्लड प्रेशर कंसिस्ट हो जाता है, मतलब सिकुड़ जाता है, उसी को हम हाइपरटेंशन बोलते हैं। तो ये पैथोजेनेसिस से आपको बना के इसी तरह आना है, पैथोजेनेसिस फ्लो चार्ट के वे में अगर आप दोस्तों बनाते हो तो एक अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो दोस्तों। अब इसके हम साइन एंड सिम्टम्स के बारे में समझेंगे। सर्व हेडेक, एक्सेस स्वेटिंग, पल्स रेट इंक्रीज होना, चेस्ट पेन, फैट यूज मीन्स चक्कर आना, वोमिटिंग, इरेगुलर हार्ट बीट, नोजिया, जिम मिचलाना, ये सब साइन एंड सिम्टम्स हैं ब्लड प्रेशर के, मीन्स हाइपरटेंशन के। कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो दोस्तों, हार्ट अटैक आपको हो सकता है, शॉक, हार्ट फेलियर, स्ट्रोक, विजन लेस हो सकता है, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन हो सकता है, ब्लड वेसल्स डैमेज हो सकते हैं। इसको हम डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं, ECG से, इकोकार्डियोग्राम से, चेस्ट एक्सरे से। अब इसके मेन टॉपिक ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं दोस्तों। ट्रीटमेंट 2 टाइप से हम कर सकते हैं,
नॉन फार्माकोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल। नॉन फार्माकोलॉजिकल में क्या होता है, रेगुलर एक्सरसाइज से कर सकते हैं, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, डू मेडिटेशन, रिड्यूस स्ट्रेस, स्ट्रेस को रिड्यूस करके, इंक्रीज फाइबर फूड इन डाइट और इंक्रीज ओमेगा 3 फैटी एसिड सप्लीमेंट इन फूड। अब फार्माकोलॉजिकल की बात करें दोस्तों, तो अल्फा ब्लॉकर से बीटा ब्लॉकर और एसिन बीटा। अल्फा ब्लॉकर में ट्रीजोसिन, पैराजोसिन अल्फा ब्लॉकर ड्रग्स, और बीटा ब्लॉकर में बीटा क्रोल, मेटाप्रोसल। एसी इनविटन मतलब एक्टिव कन्वर्टिंग इंजाइम्स, इनविटन में मोनोप्रिल से। फर्स्ट लाइन ड्रग क्या होता है हाइपरटेंस के लिए, फिरोसीमाइड। एक ड्रग्स आपको लिख के आना ही है दोस्तों, तो ड्रग्स को पहली बार याद करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा दोस्तों, तो एक दो बार प्रैक्टिस करोगे आप, पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगी। आई होप यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ऑल्सो शेयर विद फ्रेंड्स। आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। इस वीडियो का नोट्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दे, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आई होप यह वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल।